वैसे तो हम लोग पिछले 10 सालों से तकरीबन पूरे देश के 91 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन चला रहे हैं। आज जो जो तैयारी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ये उत्तर प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कार्यक्रम किया जा रहा है। हम सारे लोगों ने मिलकर के 17 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बहुत विशाल रैली की परिकल्पना की है, तो उसकी तैयारियों के लिए आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ये जनसंदेश है रैली, जिससे पूरे प्रदेश के लोगों को जगाया जाएगा और 17 नवंबर को दिल्ली चलने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। तो ये हमारी तैयारी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा अपने मंडल स्तर पर कार्यक्रम कर रहा है, जिले स्तर पर कार्यक्रम कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को 17 नवंबर को दिल्ली ले जाया जा सके। देखिए, अभी हमारा जो टारगेट है वो 17 नवंबर को भारत सरकार को ये बताना है कि पुरानी पेंशन बहाली के क्रम में जो आपने एनपीएस से यूपीएस का सफर किया है, हमारा टारगेट एनपीएस से यूपीएस का नहीं था, हमारा सीधा सीधा टारगेट है एनपीएस से ओपीएस का। तो अभी जो एनपीएस से यूपीएस की तरफ जो सरकार शिफ्ट हुई है, हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी कर्मचारी ना तो यूपीएस को स्वीकार कर रहा था, न कोई भी कर्मचारी ना तो यूपीएस को स्वीकार कर रहा है, उसे केवल और केवल ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, 1972 सीसीएस पेंशन रूल्स चाहिए, उसे एनपीएस और यूपीएस के शगुफे में नहीं फंसना है। उसको बड़ा सीधा सा मतलब है कि 10 साल की अगर नौकरी उसने पूरी कर ली है, सेवा उसकी पूरी हो गई 10 साल की, उसके बाद कभी भी रिटायरमेंट होता है तो 50% लास्ट बेसिक सैलरी का डियरनेस अलाउंस के साथ पेंशन चाहिए, और जीपीएफ की तरह जो उसका पैसा उसको वापस मिलता था, वो पैसा एनपीएस वाला जो डिडक्शन होता है, वो पैसा उसके कर्मचारी के खाते में रिटायरमेंट वाले दिन आ जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, जिसको हम ओपीएस कहते हैं। तो बड़ी सीधी सी साफ सी बात है, यूपीएस एनपीएस के झमेले में कोई भी कर्मचारी ना फंसा है ना फंसेगा। सरकार को आंख नाक कान मुंह सब खोल करके समझना चाहिए, उसके अपने दिमाग को साफ करके समझना चाहिए कि देश के 91 लाख कर्मचारी और उनके परिवार केवल और केवल ओपीएस की मांग कर रहे हैं। सर, लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं और जंतर मंतर पे रैलियां भी हो रही हैं, आपके अलावा अन्य विभाग भी इसको लेके काफी जागरूक लोगों को कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कोई जू नहीं रेंग रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार की जू नहीं रेंग रही है। हम लोगों ने जब आंदोलन शुरू किया था तो पहले 10% और 10% का कंट्रीब्यूशन चलता था, 10% सरकार का कटता था, 10% इम्प्लॉय का कटता था। लेकिन उसके बाद 1 अप्रैल 2019 को जब सरकार को लगा सारे लोग नाराज हैं, तो पहले उसने अपना कंट्रीब्यूशन 10 से बढ़ा करके 14% किया, यानी 40% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया। फिर उसके बाद 30 मार्च 2021 को इसी एनपीएस में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा साहब थे। पूरे देश में किसी भी कर्मचारी की जब सेवा काल में डेथ होती थी या वो डिसेबिलिटी हो जाती थी, तो वैसे कंडीशन में उसके परिवार को 50% पेंशन भी नहीं मिलती थी, उसका पैसा भी नहीं मिलता था। हम लोगों ने उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया कोरोना काल में, और सही तरीके से हमने ज्ञापन दिए, सरकार को समझाने की कोशिश की कि इसमें क्या गलत है। सरकार को समझ में आया और 30 मार्च 2021 को भारत सरकार ने एक गजट जारी किया और ये कहा, किसी की भी डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो कर्मचारी का जो अंशदान था वो ब्याज सहित उसके परिवार को दे दिया जाएगा, और जिस दिन से उसकी डेथ हुई है अगले दिन से उसको पुरानी पेंशन की वाली ओपीएस, जिसको फैमिली पेंशन कहते हैं, वो 50% बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस के साथ उसको 50% पेंशन देने का प्रावधान कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हुए, अभी जो बदलाव हुआ यूपीएस, ये भी कर्मचारियों की लगातार नाराजगी, लगातार हमारे आंदोलन का परिणाम है। बहुत सारा मतलब अगर मैं कहूं कि सरकार ट्रैक पे आई है, अभी सरकार ने 50% की गारंटी की बात की है, भले ही उसने 25 साल की क्लॉज लगाया हो कि 25 साल की नौकरी के बाद देंगे, साथ में उसने एक गलती की है जो ये कहा है कि पुरानी पेंशन देने के एवज में हम कर्मचारी और सरकार वाला जितना कंट्रीब्यूशन था वो कर्मचारी को छोड़ना पड़ेगा। ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। सरकार को अपना कंट्रीब्यूशन ले जाना है ले जाए, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन उसको छोड़ना ही पड़ेगा, वो कर्मचारी और कर्मचारी के परिवार को देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के पुरानी पेंशन पूरी तरीके से बहाल हो पाएगी। सर आइए, मंजीत सर एक प्रश्न आपके लिए, ये कि हमने देखा है कि अलग अलग लोग जो है ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, कई सारे तो ऐसे नेता हैं जो अपने आप को अब पेंशन क्रूज भी कहना शुरू कर दिए हैं और अपने लोगों से कहलाते भी। जी जी, तो आप ये बताएं कि अब आपने एक नया संगठन बनाया है ऑल इंडिया न्यू पेंशन एम्प्लॉइज फेडरेशन के नाम से, यह उन लोगों से कैसे अलग है और आप लोगों की जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं जी उस पर कैसे खरे उतरने का? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ना तो संगठन नया है और ना ही ये चेहरा नया है।
अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो पिछले 10-12 साल से जो आंदोलन पाएंगे उस आंदोलन में डे वन से आप मेरा चेहरा पाएंगे। दूसरी बात, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन पहले भी था, हम उसको ऊपर नहीं लाते थे, आंदोलन के बराबर नहीं लाते थे। जब लोगों ने हमारे आंदोलन में क्या किया, ये धंधा शुरू कर दिया, चंदे का धंधा शुरू हो गया, उन लोगों ने क्या किया, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ शुरू किया, उनके दिमाग में डाल दिया कि वो एक पॉलिटिकल बैनर के बन गए, उन्होंने साबित कर दिया। जब अभी कुछ दिन एक साल पहले एक रैली हुई जिसमें विपक्ष के जितने भी दल थे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उसके 19 लोग मंच पे थे। एक साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, देश के इतिहास की सबसे बड़ी रैली हुई है। क्या 19 लोगों के मंच पे आने के बाद लाखों लोगों की पुरानी पेंशन बहाल हुई? मुद्दा ये है, कुछ नहीं हुआ। और ऊपर से देश के प्रत्येक एनपीएस कर्मचारी को पूरे देश के सामने, पूरी सरकार के सामने ये साबित कर दिया गया कि ये लोग पुरानी पेंशन नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा खड़े किए गए लोग हैं जो एंटी गवर्नमेंट है या एंटी जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ है। तो हम जो बात बताना चाह रहे हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वी आर सेलेक्टेड पार्ट, द गवर्नमेंट एमपीज एमएलएज वो इलेक्टेड पार्ट है, तो हम सरकार का हिस्सा, हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी यहाँ सत्ता में है, क्योंकि जो भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है। हम ये कभी नहीं बोलते से एक सरकारी कर्मचारी की वो गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी है, सपा है, बसपा है, ये पॉलिटिकल लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या है ना, एक बार नौकरी में आए तो टिल 60 और 62 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं। इस बीच बहुत सारी सरकारें बदलती हैं, कई सरकारें, कई पार्टियां आती हैं, और हम सबके साथ उसी तन्मयता के साथ काम करते हैं जैसा कि पहले की सरकारों के साथ कर रहे थे। तो हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोगों को जबरिया पॉलिटिसाइज कर दिया गया, उनको जबरन किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट घोषित कर दिया गया, तो मजबूरी हो गई कि हमने ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन को उत्तर प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली जो संयुक्त मोर्चा है उसके कोलेबोरेशन में एक नया बैनर तैयार किया, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत, ताकि हम सरकार से ये कह सके कि वी आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। क्योंकि हमारे लोग तो ऐसे भी हैं, मान लीजिए स्टेट में जो लोग नौकरी करते, ठीक है स्टेट में ही रहेंगे, लेकिन हम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई आज लखनऊ में है तो कल कानपुर हो जाते हैं, और कल कानपुर है तो फिर परसों नागपुर पहुंच जाते हैं। तो हम, हमारा काम पॉलिटिसाइज करना नहीं है लोगों को, हमारा काम है जो भी सत्ता में बैठा है, चाहे वो योगी जी बैठे हो, चाहे मोदी जी बैठे हो, चाहे कल को अखिलेश जी बैठे हो, हमारी दोनों ही आदमियों के साथ उसी तरीके से टेक्निकल इश्यूज को ध्यान में रख करके उन रेजोल्यूशंस के साथ हम बात करते हैं कि कैसे पुरानी पेंशन को बहाल किया जा सकता है। हम केवल चिल्लाने वाले लोग नहीं है, भारत सरकार के द्वारा 2-2 बार हमें बुलाया गया। हमने जब 10 दिसंबर को संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर के जंतर मंतर पर 2023 में एक रैली की थी, उसके बाद 10 दिसंबर के तुरंत बाद जनवरी में हमारे पास लेटर आया और उन्होंने हमको फिर से बुलाया कि आप आकर के अपनी बात को रखिए। और मैं तो कहता हूं कि कम से कम सरकार एनपीएस से यूपीएस की तरफ बढ़ी है, इसका मतलब उसने उस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से समझा है, जो कमियां रह गई हैं उसके लिए ये लड़ाई अभी जारी है, उन कमियों को भी दूर करवाएंगे। फिर ये भारत सरकार के ऊपर है कि वो उस जो कमियों को दूर करने के बाद उस पेंशन व्यवस्था का नाम ओल्ड पेंशन स्कीम रखे या नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम रखे, हमें फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें वो व्यवस्था चाहिए जो 2004 से पहले चल रही थी, जिसमें आज भी लोग नौकरी करते हैं ओपीएस के नाम पर। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी जो पेंशन की बात है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको फोकस नहीं करती। मैं क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों से? देखिए, मैं, मेरी सीधे हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े सारे नेतागण बैठे हैं, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया से भी यही दरख्वास्त है कि आप कर्मचारियों के मुद्दे को समझो पहले, कि मुद्दा ये केवल पैसे का नहीं है, दिस इज द इशू ऑफ ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी गारंटी। हमें गारंटी चाहिए रिटायरमेंट पर। कोई आदमी 30 साल 32 साल तक काम करता है, अब क्या है कि कारपोरेट मीडिया भी क्या है ना, मीडिया को चाहिए क्या, मीडिया को चाहिए विज्ञापन, विज्ञापन मिलते हैं सरकार के माध्यम से, सरकार का दबाव होता है, जो नेशनल स्ट्रीम का जो मीडिया है जिसकी आप बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। आज की डेट में वो प्रेशर भी टूटा है, जब सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कुछ लोगों को बुलाया, इसका मतलब है कि कंसिडरेशन में है, इसका मतलब है उनको पता है कि पुरानी पेंशन बहाली कितना बड़ा मुद्दा है। अभी हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, अभी महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, हर जगह ये मुद्दा नंबर वन मुद्दे पे बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली हम लोग समाधान के साथ बात करते हैं, नेशनल जो हमारा स्ट्रीम का जो मीडिया है उससे भी दरख्वास्त है, अभी भी आप शायद उस
लिहाज से उस तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितनी कि इस तवज्जो के हम लोग हकदार हैं। तो हमारी उनसे भी गुजारिश है कि हमारे मुद्दे को आप हमसे डिस्कस करिए कि हम बताएंगे कि बिना भारत की, बिना किसी स्टेट की इकोनॉमी पे बर्डन बढ़ाए हम पुरानी पेंशन को बहाल करा सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और मेरा है, व्यक्तिगत भी है, कि कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो अपने संगठन के कार्यालय के नाम पर अपने कर्मचारियों से पैसा वसूल कर जी। आप इस मुद्दे को कैसे? मैं कुछ नहीं कहूंगा इस पर, मैं इसलिए नहीं कहूंगा, ये हमारे उन भाई लोगों को सोचने की जरूरत है। मैं पिछले 12 साल से अपने लोगों के साथ आंदोलन चला रहा हूं और हमने किसी भी संगठन, जैसे यहाँ कोई पीडब्ल्यूडी का संगठन चलाता है, कोई संयुक्त मोर्चा में कोई मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का मोर्चा चलाता है, कोई चतुर्थ श्रेणी का चलाता है, कोई जो है डिप्लोमा इंजीनियर का चलाता है, यहाँ 16 संगठन है, बल्कि 16 से भी ज्यादा संगठन है, अलग अलग विभागों के लोग हैं। तो हमने कभी किसी के विभाग में जाकर के अपनी मेंबरशिप के नाम पर चंदा इकट्ठा नहीं किया है, क्योंकि आंदोलन को हमने बिना चंदे के चला करके दिखाया है 10 साल तक। हमें जब भी जरूरत रहती है, हमारा इतना बड़ा मोर्चा है, हम मोर्चे के लोग, हम जो हम अपने एसोसिएट के लोग हैं उनके साथ हम अपनी फंडिंग करते हैं। अब ये उनके ऊपर है कि वो अपने जो उनके मेंबर्स हैं उनसे क्या मेंबरशिप लेते हैं, ये उनका पर्सनल मामला है। हम आंदोलन के नाम पर कभी भी चंदा इकट्ठा नहीं करते, ये हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि आंदोलन हमने पहले भी सारा गूगल पे डाला हुआ है, सारा व्हाट्सएप पे है, सारा फेसबुक पे, आप एक एक पैसे का हिसाब देख सकते हैं कि एक आंदोलन में 9 लाख 10 लाख रुपए लगते हैं, वो भी रामलीला मैदान में, इससे ऊपर नहीं लगते, 10 लाख से ऊपर आज भी नहीं लगते, लेकिन कुछ लोग करोड़ों रुपए जमा कर रहे हैं क्योंकि उनको भवन बनाने हैं, क्योंकि उनको महल बनाने हैं, क्या करना है, हमें इससे लेना देना नहीं, ये हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। मैं यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ बस ये कहूंगा कि हमारा नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत संयुक्त मोर्चा के 16 संगठनों के साथ अलाइंड है, कभी भी किसी भी जो यूनियन है उसके पदाधिकारियों से, उसके मेंबरों के साथ चंदे का धंधा नहीं करता है।